सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास एट चैप्टर थ्री कोल एंड पेट्रोलियम देखिए हमारे बेसिक नीड्स में क्या आता है रोटी कपड़ा मकान ठीक है वाटर आर आर बेसिक नीड्स फूड शेल्टर तो कुछ चीज़ मैन मेड होता है और कुछ चीज़ नेचुरली हम लोगों को अवेलेबल होता है चलिए मैं कुछ रैंडमली थिंग्स का नाम लूँगी और आप मन में सोचिएगा कि ये मैन मेड है या नेचुरल रिसोर्स है कोल नेचुरल रिसोर्सेज हवा नेचुरल रिसोर्स चेयर मैन मेड कंप्यूटर मैन मेड सॉयल नैचुरल रिसोर्स ओके ना वॉट आर नेचुरल रिसोर्स द रिसोर्स विच वी फाउंड इन आर नेचर नेचुरली जो नेचुरली हम लोगों को प्रकृति के द्वारा मिलता है उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं अब नेचुरल रिसोर्स को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में एग्जॉस्टिबल एंड इन एग्जॉस्टिबल देखिए एक कैटेगरी होता है जिसको हम यूज़ करेंगे कैसे भी यूज़ करें ठीक है वो ख़त्म होने वाला नहीं है जॉस्टेबल एग्जॉस्ट का मतलब हो जाता है थक जाना खत्म हो जाना तो इनएक्टेबल मतलब खत्म नहीं होगा इट्स अनलिमिटेड अनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि अगर उसको नहीं यूज किया गया तो एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा दैट इज एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सिस सो यर वी गो विद द चैप्टर नाउ वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर अवर बेसिक नीड्स सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम आर ऑफ मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स एज आई हैव टोल्ड यू अर्यर ऑल्सो कि कुछ क्या होते हैं नेचुरली अवेलेबल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो क्या होता है हमारा कि मैन मेड होता है तो यहाँ पे एक लिस्ट हम लोग बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंग इफ आई एम सेंग सॉयल देन वॉट इट इज सॉइल इज नैचुरल रिसोर्स लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे ब्लू पे ब्लू नहीं दिखेगा ओके सो सॉयल इज नेचुरल Soil is natural resources. Air is a natural resources. But computer, it is man made. Okay. Table man made. Maggie, naturally, no man made. Okay. Now

के जो एक्टिविटी है उससे यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास सेवन इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स ओके नाउ अ डेज ना वाटर हैज ऑल्सो बिकम अ लिमिटेड रिसोर्सिस क्यों क्योंकि हर जगह हम लोग जो ज़मीन है उसको सीमेंटेड कर दे रहे हैं वाटर रिजर्वर का यूज़ नहीं हो रहा है हमारे घरों में ओके okay, तो क्या है कि इसीलिए फ्लडिंग आ रही है और हम लोग वाइजली वाटर को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं तो सम हाउ ना वाटर इज आल्सो बिकमिंग अ लिमिटेड रिसोर्सेज अर्लियर इट वाज नॉट ओके now, in the light of availability, various resources in nature, natural resources can be, be broadly classified into two categories. okay, uh, आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया क्योंकि पेट्रोल जो है वो कम है उसका रिजर्वर कम है हमारे पास पेट्रोल का जो रिफाइनरी है वो नहीं है ओके okay, डीजल का हमारे पास जो हमारे पास आ रहा है इनपुट आउटपुट वो सब मतलब जो उसका यूज़ है उसके हिसाब से हमारे पास वो चीज़ें कम आ रही हैं ठीक है थीके? तो हमको उनको वाइजली यूज़ करना है उनका रेट डे टू डे बढ़ रहा है क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि सनलाइट पे दाम लग रहे हैं नो बिकॉज इट इज़ अ इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लेकिन पेट्रोल क्या है एग्जॉस्टिबल है अगर उसको वाइजली नहीं यूज़ किया गया वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है फिर हमारे अदर जनरेशन को वो पास ऑन नहीं होगा वो नहीं मिलेगा गॉट इट इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं हमारे घर में भी क्या होता है पुस्तैनी संपत्ति आप लोग सुने होंगे उसको हम लोग रखते हैं ना तो जो जो एरा होता है जो कोई एक जनरेशन होता है कि बहुत वाइजली पैसे को यूज़ करता है तो वो खुद भी अपना जनरेशन पार कर देते हैं और बाद वालों के लिए भी दो तीन पीढ़ी के लिए छोड़ के जाते हैं कि हाँ आप आराम से उस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा आपको बैंक बैलेंस कलेक्ट करने का सेविंग करने का ज़रूरत नहीं है आपके पास इतनी ज़मीन है इतना लैंड है ठीक है और कुछ एक दो लोग ऐसे होते हैं कि वो सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है सेम इज़ विथ नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है हम लोग जो है सो so कुछ जो इन इनएस्टि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स उसको बहुत वाइजली यूज़ करेंगे तो ही वो दूसरे और तीसरे जनरेशन को जाएगा ठीक है एन में आपके पास एक एक्टिविटी भी इस तरह का दिया हुआ है uh, आगे फर्दर आई विल टेल यू ओके इन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वालिटी क्वान्टिटी इन नेचर एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी सच एज सनलाइट एंड एयर ठीक है इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म होने वाला नहीं है फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंड एयर एग्जॉस्टिबल द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्स इन द नेचर इज लिमिटेड जो अमाउंट होता है इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज का वो लिमिटेड है ठीक है ओके दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी और अगर इसको वाइजली नहीं यूज़ किया गया ह्यूमन एक्टिविटी से ये खत्म हो सकते जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या है आप एकदम बेधड़ेले से उसको काटेंगे वो खत्म हो जाएगा ओके मिनरल्स वाइल्ड लाइफ कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस एक्सेट्रा तो आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है कि कुछ लिस्ट ऑफ़ थिंग्स दिए जाएंगे और उसको बोला जाएगा सेपरेट कीजिए एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज और इन नेचुरल रिसोर्सेज में तो दो चीज एकदम याद रखिएगा अगर बोला जाए कि वाटर एग्जॉस्टिबल नेचुरल ने एग्जॉस्टिबल क्या होता है लिमिटेड होता है इन एग्जॉस्टिबल लिमिटेड नहीं होता इट्स लिमिटलेस ओके ये दो वर्ड्स याद रखिएगा कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा नाउ नाउर वन एक्टिविटी इज गिवन एक्टिविटी थ्री पॉइंट टू इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी टेक सम कंटेनर फिल दैम विद पॉपकॉर्न पीनट्स रोस्टेड ग्राम टॉफीज डिवाइड द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप ऑफ सेवन ईच फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इन थ्री सब ग्रुप्स कंटेनिंग वन टू एंड फोर स्टूडेंट्स लेवल दैम एज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली ये मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ बट अदर टाइप्स ओके देखिए हम क्या करते हैं एक टेबल है मेरा मान लीजिए यहाँ पे टॉफ़ी है ओके okay? यहाँ पे ग्राम है और यहाँ पे मान लीजिए कि कॉफी है ओके सेवन स्टूडेंट्स का सेवन लोगों का ग्रुप है एक लाइन है अब ये जो आपका ग्रुप है इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं पहले एक एक आदमी आएगा फिर दो फिर तीन लोग आएंगे फिर चार लोग आएंगे ऐसा ये तीनों के साथ हो रहा है ठीक है इसको हम फर्स्ट जनरेशन मानते हैं इसको सेकेंड जनरेशन मानते हैं इसको हम क्या मानते हैं थर्ड जनरेशन ओके अब ये जब फर्स्ट जनरेशन वाला आ रहा है इसको टॉफी दिया गया तो हर एक को मिलेगा एम्पल अमाउंट में मिलेगा ठीक है ये फर्स्ट जनरेशन चला गया सेकेंड जनरेशन वाला आया उसके बाद उसको क्या मिला एम्पल अमाउंट में नहीं मिला क्योंकि उसके पास थोड़ा कम हो गया थर्ड जनरेशन में हो सकता है पूरे लोगों को ना मिले ठीक है लेकिन क्या होगा कि अगर हम इसको वाइजली यूज़ करेंगे तरीके से यूज करेंगे फर्स्ट जनरेशन थोड़ा बचा बचा के चलेगा तो सेकंड जनरेशन वालों को भी पास ऑन होगा सेकंड जनरेशन थोड़ा वाइजली यूज करेगा तो वो थर्ड जनरेशन वालों को भी पास ऑन होगा ओके तो ये अब आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा नाउ विल स्टडी वॉट फर्दर गिवन इन द चैप्टर दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स पुट वन कंटेनर ऑफ ईच ग्रुप ऑन द टेबल आज द कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्राम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ई टेबल्स फ्राम द कंटेनर ऑफ द थर्ड ग्रुप ओके ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगा कंज्यूमर ज्यादा होंगे और क्या होगा उसका जो थिंग्स है हम लोगों को एम्पल अमाउंट में सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिलेगा ओके okay. अब हम लोग आते हैं

हर ग्रुप का कंजम्पन पैटर्न जो है वो अलग है ठीक है तो हो सकता है कि कोई एक जनरेशन बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हो ठीक है वो सेकेंड जनरेशन के बारे में ना सोच रहा हो तो क्या होगा अगर हम उसको ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारा जो आने वाला जनरेशन है प्रिसीडिंग सक्सीडिंग जनरेशन है उसको हम वो चीज़ ना दे पाए ओके नाउ इट मे बी डैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप

डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड रिमेन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसको फॉसिल्स बोलते हैं और इसीलिए कोल को फॉसिल फ्यूल बोलते हैं क्योंकि वो डेड रिमेन्स से बनता है एनिमल्स और प्लांट्स के ओके ओके द क्वेश्चन कैन बी आज कि वॉट आर फॉसिल फ्यूल तो फॉसिल फ्यूल्स द थिंग्स विच आर मेड बाई द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल ठीक है कोल इज एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट क्यों उसको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन्स से बनता है प्लांट का पत्ता झड़ गया प्लांट गिर गया पेड़ गिर गया फिर क्या हुआ उसके ऊपर मिट्टी आया वो क्या हुआ वहाँ पे उसको ज़मीन के अंदर हाई टेम्परेचर मिल रहा है ठीक है हाई प्रेशर मिल रहा है तो वो क्या हो गया कोल में चेंज हो गया किसी का लाश किसी जानवर का लाश जंगल में होता है ना जानवर मरा उसका लाश दब गया वो क्या हुआ मिलियंस ऑफ ईयर में वो चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है उसके बाद फिर वो क्या हो रहा है कोल में परिवर्तित हो रहा है ठीक है तो डैट इज वाई कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल ओके नाउ वी विल सी दैट वॉट फर्दर इट इज गिवन इन दिस चैप्टर सो अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में सो वॉट इज कोल कोल इज कोल यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट इट इज अ हार्ड स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर जो कोल होता है वो हमारा हार्ड हो स्टोन होता है और वो ब्लैक कलर का होता है ओके okay? आप सभी लोग कोल देखे होंगे कोयला ओके okay? ब्लैक कलर का होता है और वो पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग होता है वॉट इट नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्ट राइट टू यूजेज ऑफ कोल ठीक है दो यूजेज ऑफ कोल आपसे पूछा जा सकता है हीयर वी गो एंड विल लर्न वॉट आर दू वॉट आर द यूजेज ऑफ कोल ओके कोल इज़ वन ऑफ़ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड कोल जो होता है वो हमारा फ्यूल होता है ठीक है जिसको कि हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं अर्लियर इट वॉज़ यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम ओके पहले क्या था कि उसको हम लोग रेलवे इंजन में यूज़ करते थे स्टीम प्रोड्यूज करने के लिए तो यहाँ हम लोगों को दो यूज़ तो पता चल गया वॉट आर अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूज स्टीम और इट इज़ यूज टू कुक फूड as a fuel okay now it is also used in thermal power plants to produce electricity ye jo coal hota hai hamara wo thermal power plant mein electricity produce karne ke bhi kaam coal is also used as a fuel in various industry okay now a very important question can be asked write two or three uses of coal or uses of coal so what are the uses of coal number 1 coal can be used as fuel in thermal power plant, it is used to produce electricity, okay. Produce electricity in thermal power plant, okay. Electricity in thermal power plant, got it? Okay. स्टोरी ऑफ कोल हाउ कोल इज मेड कोल कोयला जो है हमारा वो बनता कैसे है अबाउट 300 हंड्रेड मिलियंस ईर अगो द अर्थ हैज डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज कुछ 300 मिलियन ईयर्स पहले क्या था हमारे पास कि अर्थ में एक डेंस फॉरेस्ट था ठीक है वेटलैंड एरिया में बहुत घना जंगल हुआ हुआ करता था और वो जो जंगल जब समाप्त हुआ तो उसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी बालू ये सब सब कुछ जो है सो उसके ऊपर आकर के लाई कर गया और क्या हुआ वो सारा जो हमारा डेंस फॉरेस्ट था वो नीचे दब गया और बहुत सारा ये प्रेशर मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब वो सारे डेड रिमेन्स को मिला वो सारा जो फॉसिल्स है उसको मिला तो वो कोल में परिवर्तित हो गया ओके नाउ ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉयल एज मोर सॉयल डिपोजिटेड ओवर देम, दे वे कंप्रेस्ड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर और इस तरह से क्या हुआ कि फ्लड तूफान आया उसके बाद बहुत तेज़ हवा आया फ्लड आया तो उससे क्या हुआ वो फॉरेस्ट बिल्कुल नीचे ज़मीन की मिट्टी के नीचे और गहरा और और गहरा दबता चला गया अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओके ऑलवेज रिमेंबर दैट वॉट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कोल टू बी फॉर्म्ड ओके okay? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कंडीशन होना चाहिए किसी भी फॉसिल्स को कोल में अगर वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो नंबर वन द प्रेशर शुड बी हाई नंबर टू द टेम्परेचर शुड बी हाई ओके ये दो पॉइंट बिल्कुल याद रखेंगे हम लोग नाउ अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल ओके डेड प्लांट्स क्या हुए स्लोली कन्वर्ट हो गए कोल में ठीक है क्या हुआ बहुत जंगल था जंगल जो है वो दब गया मिट्टी से नीचे डीपर गहराई में दबता चला गया और उसके बाद उसको हाई टेम्परेचर मिला हाई प्रेशर मिला तो वो क्या को, चीज़ में कन्वर्ट हो गया कोल में ओके नाउ एज द कोल मेनली कंटेन्स कार्बन कोल जो है वो मेनली क्या कंटेन करता है किस चीज़ से बना होता है उसमें क्या होता है कार्बन द स्लो प्रोसेस ऑफ द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इंटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉट इज कार्बनाइजेशन कार्बोनाइजेशन किस को कहते हैं ओके okay, जो स्लो प्रोसेस होता है स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल जो डेड वेजिटेशन जो फॉसिल्स होता है जो डेड रिमेन्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स का जब वो धीरे धीरे कोल में परिवर्तित होता है तो वो जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको कार्बोनाइजेशन बोलते हैं ओके वाई इट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन क्यों कार्बनाइजेशन बोलते हैं क्यों न्यूट्रलाइजेशन क्यों नहीं बोलते हैं क्यों क्योंकि जो हमारा कोल होता है उसमें कार्बन ज्यादा होता है गॉट इट सबको समझ में आ गया ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ओके वॉट इज कार्बोनाइजेशन इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सिंस इट was formed फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन कोल इज also कॉल्ड फॉसिल फ्यूल आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि why कोल इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल क्यों फॉसिल फ्यूल किया कहा जाता है इसको फॉसिल किसे कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ plants एंड एनिमल फ्यूल जो जलाने के काम आए तो कोल एक फ्यूल है किससे बनता है डेड प्लांट्स से बनता है डेड एनिमल्स का रिमेन्स से बनता है कॉल्ड फॉसिल फ्यूल आगे अब बात समझ में गॉट इट नाउ विल सी वॉट फर्दर इट इज गिवेन इन द चैप्टर आगे इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है अब आइए हम लोग देखते हैं नाउ दिस इज अ पिक्चर ऑफ कोल माइंड वेन हीटेड इन एयर कोल बर्न एंड प्रोड्यूज मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है कि जब हम इसको हवा में बर्न करते हैं तो कोल जो होता है वो बर्न करता है और क्या प्रोड्यूस करता है बेसिकली सीओ टू गैस ओके कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक कोल टार एंड कोल गैस ओके इम्पॉर्टेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप लोग एन की बुक लेकर के मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं तो यहाँ इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए हम लोगों को क्या क्या बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं जब हम लोगों को ये आ, कोल को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं तो जब कोल को हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसका बाई प्रोडक्ट्स मतलब उसको किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो वो चीज़ हमको एक्जैक्टली माई इंटेंशन इज नॉट कि हमको वो प्रोडक्ट मिले मेरा इंटेंशन है कोल को प्रोसेस करना लेकिन जो हम लोगों को उस प्रोसेसिंग के दौरान मिलता है दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट समझ में आ गया बात ठीक है ना वॉट आर द बाई प्रोडक्ट्स कोक कोल टार एंड कोल गैस कोक कोल टार एंड कोल गैस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वॉट कोल ठीक है जब इंडस्ट्री में कोल को प्रोसेस किया जाता है तो हम लोगों को क्या क्या मिलता है कोल टार मिलता है कोल गैस मिलता है और क्या मिलता है कोक मिलता है अब हम लोग पढ़ते हैं कोक के बारे में कि व्हाट इज कोक कोक इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस कोक जो होता है वो टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है ठीक है Now it is almost pure form of carbon. Very important. In Philip the Blank's question can be asked that dash is the pure form of carbon. What is coke? Okay? Coke is the purest form of carbon. Now, Coke is used in the manufacture of steel and in extraction of many metals, uses uses Puchajaga uses Puchajaga. राइट टू यूजेज ऑफ कोक तो कोक इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल कोक को हम लोग किस लिए यूज करते हैं बहुत सारे मेटल्स को एक्स्ट्रैक्ट जब करते हैं तो उस प्रोसेसिंग के दौरान हम कोक का यूज करते हैं और क्या करते हैं स्टील को मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टील जब मैन्युफैक्चर होता है तो उस तो उसमें कोक का यूज किया जाता है नाउ कोल्टार वॉट इज कोल्टार इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विच विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल ओके एक ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसका स्मेल बहुत अच्छा नहीं होता है गॉट इट इट इज मिक्सचर ऑफ ओके इट इज मिक्सचर ऑफ अबाउट टू हंड्रेड सब्सटैंस प्रोडक्ट अप ऑप्टेन फ्रॉम कोल्टार आर आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटैंस यूज इन एवरीडे लाइफ

Interestingly, naphthalin balls is used to repel moth and other insects are also other insects are also obtained from coal tar. Okay, naphthalin balls जो होते हैं वो भी हम लोगों को coal tar से ही मिलता है Got it? Earlier इसको जो है हम लोग road को भी बनाने में use करते थे ठीक है दीस डेज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटेलिंग द रोड ओके पहले क्या होता था रोड के मेटेलिंग में कोल टार को हम लोग यूज़ करते थे पर अब हम लोग बिटुमेन को यूज़ करते हैं पेट्रोलियम को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका एक बे बाई प्रोडक्ट होता है हमारे पास ब्यूटमिन तो अब ब्यूटमिन क्योंकि ब्यूटमिन का जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो कोल टार से ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए अब हम लोग जो रोड को मेटेलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कोल टार के जगह ब्यूटीमैन का यूज करते हैं गॉट इट नाउ कोल गैस कोल गैस इज ऑप्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक ओके कोल टार हम लोगों को कब मिलता है जब हम लोग ओके कोल गैस इज ऑपटेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक हम लोग जब कोल को प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके हम लोगों को कोक चाहिए होता है तो उस प्रोसेस में हम लोगों को कोल गैस भी मिलता है ओके okay? तो कोल गैस हम लोग को किस चीज़ के लिए यूज़ करता है यूज़ किया जाता है हम लोग कोल गैस को किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ओके इट इज़ यूज कोल गैस इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट ओके। बहुत सारे जगहों पे कोल गैस को हम लोग किस किस तरह से यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं जो कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट जहाँ पे कि कोयला का प्रोसेस किया जाता है ऐसे जहाँ के पे प्लान्स है उसके नियर बाय जगह में जो जगहें हैं वहाँ पे कोल गैस को एज अ फ्यूल भी हम लोग यूज करते हैं गॉट इट नाउ वी विल लर्न अबाउट पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्या होता है पेट्रोलियम यू नो डैट पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल स्कूटर्स एंड कार्स heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel petrol and diesels are obtained from a natural resource called petroleum theek hai petrol or diesel dono hi hum logo ko ek natural resource petroleum se milta hai got it petrol bhi aapko petroleum se milega diesel bhi petroleum se milega okay जो light automobiles होते हैं जैसे scooter हो गया bikes हो गया ये सब चलता है petrol पे और जो heavy automobiles होते हैं ट्रक्स हो गया ट्रैक्टर्स हो गया ये चलता है डीजल पे ओके okay? और ये दोनों ही वॉट वेयर वी गेट फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल बोथ वी गेट फ्रॉम अ सेम नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज पेट्रोलियम ओके नाउ द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराव फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम मीन्स रॉक ओके ओलियम मीन्स ऑयल ओके पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल यानी इसको रॉक ऑयल भी बोल सकते हैं गॉट इट एज इट इज़ माइंड फ्राम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज सोन फिगर थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट फोर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी फिगर में ठीक है ये क्या होता है आप लोगों को रॉकस से माइंड किया जाता है इस ऑयल को इसलिए इसको हम लोग रॉक ऑयल भी बोलते हैं पेट्रोलियम इसको बोलते हैं ओके नाउ डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है नो no. आइए जानते हैं पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्राम दर्गेनिज्म लिविंग इन द सी as these organism died their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay over millions of years absence of air very important high temperature and high pressure got it मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था क्या होता है पेट्रोलियम कैसे बनता है समुद्र है समुद्र के नीचे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जा रहा है वो दब जा रहा है नीचे उसके ऊपर क्ले है वाटर है सब कुछ है वो दबते जा रहा है दबते जा रहा है ओके okay. और वो पेट्रोलियम में चेंज हो रहा है लेकिन उसके लिए उसको क्या चाहिए एबसेंस ऑफ एयर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पेट्रोलियम अगर बन रहा है तो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है देखो कार्बन बन, क्या वो होता था कोल बनता था हमें हमारा तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए पेट्रोलियम बन रहा है एब्सेंस ऑफ एयर What are the conditions required when uh, a petroleum is formed? Absence of air, high temperature, high pressure. What are the conditions which is required when a coal is formed? Okay. High temperature, high pressure. Difference samajh mein aagya? Confuse nahi karoge? Aara hai baat Okay. Fine. Under absence of air, under high temperature and high pressure, the dead organism transformed द डेड ऑर्गेनिज्म इंटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म है जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या चीज़ में बदलेंगे ट्रांसफॉर्म होंगे पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में आइए अब हम थोड़ा सा इस फिगर को देख लेते हैं बार बार एक फिगर है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो वो देख लेते हैं देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो डिपॉजिट है वो यहाँ पे देखिए किस तरह से है यहाँ पे रॉक है ओके okay? क्या हुआ कि इस वॉट ये जो वाटर है आपका यहां पे जो डेड रिमेन्स है ठीक है जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका वो दबता चला गया ओके okay, यहां पे एबसेंस ऑफ एयर था टेम्परेचर हाई था प्रेशर भी हाई था तो क्या हुआ ऑयल बना पेट्रोलियम ऑयल में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया वो चीज और गैस में क्योंकि ऑयल और गैस का डेंसिटी अलग अलग होता है इसलिए वो स्वतः ही सेपरेटेड होता है क्वेश्चन कैन बी आस्क कि मैडम क्या समुद्र का पानी में ऑयल मिल नहीं जाता है तो जरा सा पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के देखिएगा पानी से ऑयल हमेशा ऊपर तैरेगा ठीक है इसीलिए क्या होता है पानी नीचे होता है पेट्रोलियम ऑयल बना वो ऊपर आ गया ऑयल के से डेंसिटी जो होता है वो गैस का कम होता है तो वो और ऊपर आ गया ठीक है तो ये खुद से ही क्या होता है कि आपका सेपरेटेड होता है बिकॉज डेंसिटी इज डिफरेंट ओके नाउ लुक एट फिगर 3.4, आई हैव शोन यू फिगर थ्री पॉइंट फोर शोज़ द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस ये जो फिगर है ये क्या शो कर रहा है पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस का डिपॉजिट यू सी डैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज एव द वाटर

ओके द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रील्ड इन पेनी इन यू एस ए इन एटीन फिफ्टी नाइन ओके एट ईयर लेटर्स एटीन सिक्सटी सेवन में क्या हुआ ऑयल वॉज स्टक एट मकुम इन आसाम ठीक है सबसे पहले हमको यू एस ए में मिला था एटीन फिफ्टी नाइन में ओके ऑयल का वेल यानी आ, तेल का कुआं और उसके बाद 1867 में आसाम के मकुम जगह पे ये मिला था इन इंडिया ऑयल इज फाउंड इन आसाम गुजरात मुंबई ओके okay, कहाँ मिलता है हम लोगों को आसाम गुजरात और मुंबई में मिलता है ज्यादातर गोदावरी और कृष्णा का जो रिवर बेसिन से यहाँ पे ऑयल का ज्यादा मिलता है हम लोगों को ठीक है इंडिया में इन जगहों पे ऑयल हम लोगों को ज्यादा मिलता है नाउ क्या करते हैं अब हम लोग किस तरह अब क्या कर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ठीक है पेट्रोलियम को हम लोग रिफ़ाइन करते हैं जब पेट्रोलियम मिलता है ना तो रॉ फॉर्म में मिलता है उसमें सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं रहता है उसको जब रिफ़ाइन करेंगे तो उसका बहुत सारा बाई प्रोडक्ट्स मिलेगा ठीक है उस जैसे पेट्रोल और डीजल क्या है उसका एक प्रोडक्ट्स है रिफाइनिंग का प्रोसेस में जो होता है गॉट इट नाउ सो चलिए अब हम पढ़ते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम ये तो हमने देख लिया कि पेट्रोलियम बनता कैसे है ठीक है और हमें कहाँ कहाँ पेट्रोलियम मिलता है ठीक है नाउ अब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम का रिफाइनिंग कैसे किया जाता है ओके okay. क्या आपने कभी सोचा कि पेट्रोलियम का रिफाइनिंग क्यों करते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को कोई भी चीज़ जब हम लोगों को नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है तो वो अपने रॉ फॉर्म में होता है ठीक है यानी कि उस चीज़ के साथ बहुत और भी बहुत सारे चीज़ मिले हुए होते हैं तो जब उसका हम रिफाइनिंग करते हैं या ओर होता है तो ओर का एक्सट्रैक्शन करते तो वो प्योर फॉर्म में मिलेगा ठीक है मान लीजिए कि इसको इस तरह से समझते हैं समुद्र मंथन हुआ था तो जब मंथन करते हैं एक्चुअली मंथन हो रहा था अमृत ही प्राप्त करने के लिए लेकिन जब मंथन स्टार्ट हुआ तो शुरू में जब स्टार्ट किए मंथन तो कुछ और मिला मदिरा भी मिला उसी में उसी में एक अच्छे रवा नाम का घोड़ा भी मिला और उसी में विष भी आया तो यही चीज़ आप समझिए नेचुरल रिसोर्सेज में ठीक है जब हम लोग रिफाइनिंग पेट्रोलियम का करते हैं तो बहुत सारा हम लोगों को इसका बाई प्रोडक्ट्स भी मिलता जाता है ओके नाउ पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर पेट्रोलियम क्या होता है डार्क ऑयली लिक्विड होता है और उसका जो ऑर्डर यानी स्मेल जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है वैसे मुझे पेट्रोलियम का स्मेल आई टल्यू बहुत अच्छा लगता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूंस सच एज पेट्रोलियम गैस पेट्रोल डीजल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कंस्टिटुंट्स एंड फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज़ कॉल्ड रिफाइनिंग इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी ओके मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो प्रोसेस होता है पेट्रोलियम को प्राप्त करने का तो क्या करते हैं कि पेट्रोलियम के साथ बहुत सारा और भी चीज़ होता है ठीक है सिर्फ हम लोगों को नेचर में जैसे हमको चाहिए एक्चुअली में पेट्रोलियम हम खुदाई वहाँ पे कर रहे हैं पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए लेकिन जब हम लोग को रॉ पेट्रोलियम मिलता है तो उसके साथ और भी बहुत सारा कंस्टिट्यूएंट्स रहता है जैसे पैराफिन वैक्स डीजल ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ये सब सब कुछ ठीक है तो जब उसको हम रिफाइनरी पेट्रोलियम रिफाइनरी में उसका रिफाइनिंग करते हैं तो ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं और ये सारे जो फ्रैक्शनस है वन बाई वन करके क्या होता है अलग होता है तो ये सारा भी अपना बाई प्रोडक्ट्स है पेट्रोलियम का और उसका अपना डिफरेंट डिफरेंट यूजेज है आइए हम पढ़ते हैं ओके नाउ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम का और बहुत सारा कौन कौन सा कंस्टिट्यूएंट्स है हम पढ़ते हैं कि मतलब जब पेट्रोलियम हम लोगों को रॉ फॉर्म में प्राप्त होता है मतल मिलता है तो उसको जब हम लोगों को पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो उसको हम लोग रिफाइनिंग प्रोसेस में जाते हैं तो उससे बहुत सारा उसका जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो एज अ बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलता है हम लोगों को एल पी जी ओके पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री एल हम लोग इसको क्या करते हैं एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं अपने घरों में और इंडस्ट्रीज में भी पेट्रोल पेट्रोल मिलता है सेकेंड क्या मिलता है हम लोगों को पेट्रोल मिलता है अब पेट्रोल का क्या क्या यूज़ है पेट्रोल का यूज़ है यहाँ पर मोटर में फ्यूल के लिए ऑटोमोबाइल्स में हम एज अ फ्यूल इसको यूज़ करते हैं ठीक है एविएशन फ्यूल यूज़ करते हैं एविएशन एरोप्लेन हवाई एविएशन मतलब ऐसी चीजें ऐसा व्हीकल्स जो कि ऑटो जो कि एयर में चलता है ठीक है ओके सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग के लिए हम लोग देते हैं ना साड़ी तो वो क्या करता है पेट्रोल से उसको स्प्रे करता है कि उसका गंदगी जो होता है वो सारा हटता है ओके किरासिन ऑयल ओके फ्यूल फॉर स्टोव लैम्प एंड जेट एयरक्राफ्ट आपको याद होगा आज कल तो घरों में ज़्यादा वो हमारा इन्वर्टर आ गया है ठीक है पहले जब हम छोटे थे ना तो हमें याद है कि हम लोग लैम्प के शीशे साफ किया करते थे और लैम्प में क्या डालते थे किरोसिन ऑयल डालते थे नाउ फोर्थ नंबर इज डीज़ल डीजल वेयर डीजल इज यूज डीजल का यूज जो है हम हैवी मोटर व्हीकल्स को चलाने में करते जैसे ट्रक हो गया आपका उसके बाद फिर ट्रैक्टर हो गया ये सब में हम लोग पेट्रोल नहीं यूज करते डीजल यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर किससे चलता है डीजल से चलता है गॉट इट नाउ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल ये ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है ठीक है नाउ प्रेफाइन वैक्स प्रेफाइन वैक्स ऑइंटमेंट कैंडल्स वैसलिन ठीक है प्रेफिन वैक्स क्यों क्यों यूज करते हैं आप लोगों को पता होगा एडी फटता है एड़ी फटता है ना तो एक येलो येलो कलर का वैक्स शॉर्ट ऑफ आता है तो उसको हम लोग अपने एड़ियों में लगाते हैं फिर प्रैफिन वैक्स से हम लोग हम लोग लड़की लोग जो होते हैं ना वो प्रैफिन वैक्स को लगाते हैं उसके ऊपर जीन्स का कपड़ा या कुछ कपड़ा लगाते हैं और उसको हेयर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जब खींचिएगा ना तो वैक्सिंग होता है जो पार्लर में वैक्सिंग करते हैं ना वो भी प्रैफिन वैक्स से करते हैं ये जो वैसलिन है जो हम लोग लिप्स पर लगाते हैं वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ओके नाउ बिट्यूमिन बिट्यूमिन अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि वो रोड को जो मेटैलिंग ऑफ रोड्स करते थे तो वो क्या करते हैं आजकल कर हम लोग ब्यूटमिन का यूज़ करते हैं तो इस ब्यूटामिन को पेंट्स में भी यूज़ होता है और रोड सरफेसिंग में भी इसका यूज़ होता है दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट ये जो आपका टेबल टेबल है ना ये इम्पॉर्टेंट है ऐसे पूछ सकता है कि वॉट आर द यूज ऑफ क्योसिन ओके राइट टू यूजेज ऑफ किरासिन राइट टू यूजेज ऑफ पेट्रोल ओके okay, तो ये आपको लिखना पड़ेगा नाउ अब हम देखते हैं कि फर्दर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है ओके okay? तो हम लोगों के पास बहुत सारा कंस्टिट्यूएंट्स है वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 3.1। तो अभी हमने पढ़ा टेबल 3.1 में वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम और उसका यूजेस नाउ अब देखते हैं कि इस पीले डब्बे में क्या लिखा हुआ है मेनी यूजफुल सबस्टेंस आर ऑप्टेंड फॉर पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस डीज आर टर्म पेट्रोकेमिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट वॉट आर पेट्रोकेमिकल ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस आर टर्म एज पेट्रोल पेट्रोकेमिकल्स ओके फिर से एक बार समझिए मेनी यूजफुल सब्सटैंस विच आर ऑप्टेंड फ्रॉम नॉट ओनली पेट्रोलियम Petroleum and natural gas; these are called petrochemicals. These are used in the manufacture of detergent, fiber, polythene, and other man-made plastics. Hydrogen gas is obtained from natural gas and used in production of fertilizers. What is the use of hydrogen gas? Okay, for the uh, production of fertilizers. The question can be asked. Okay, now what are the uses of petrol chemicals? Here, question also can be asked. Not only definition, question can be asked. From where we get petrochemicals? Define petrochemicals. Okay, useful products which we get from natural gas and petroleum are called petrochemicals. Okay, petrochemicals are used in the manufacture of polythene, detergent, fiber, etc., etc. Okay. टेंस पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड देखिए वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड इसलिए ब्लैक गोल्ड कहा जाता है एक तो पेट्रोलियम जो है सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है तो हमारे लिए जो व्हीकिल है वो कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप देख रहे हैं ना जब सपोज कीजिए कि व्हीकिल नहीं रहेगा हमारे पास तो हम कितना दिक्कत होगा हम लोगों को यहाँ से वहां कहीं भी जाने में और नॉट ओनली इन द लैंड ऑल्सो इन द एविएशन इंडस्ट्री पेट्रोलियम का ही हम लोग यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में ओके okay, एविएशन में भी जो फ्यूल डाल रहे हैं वो पेट्रोलियम का ही uh, uh, ये डाल रहे हैं आप कंस्टिट्यूएंट डाल रहे हैं तो नॉट ओनली इन लैंड इन एविएशन इंडस्ट्री ऑल्सो पेट्रोलियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड क्योंकि न सिर्फ पेट्रोलियम पेट्रोलियम को रिफाइन कर रहे हैं जब हम तो उसका जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स con, भी निकल रहा है ना रिफाइनिंग प्रोसेस में तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकल रहा है जो फ्रैक्शंस निकल रहा है वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है दैट इज़ वाई पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वाई पेट्रोलियम इज टर्म्ड एज ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इज इट्स यूजफुलनेस इन कमर्शियल यूज एवरीथिंग इज वेरी मच यूजफुल इन इट इज़ वेरी मच यूज इट इज़ वेरी मच कमर्शियली यूजफुल थिंग्स इट इज गिविंग ओके पेट्रोलियम जो है उसका जो कंस्टिट्यूंस है वो बहुत ही यूजफुल चीज़ों को दे रहा है कमर्शियली वो हर चीज बहुत यूजफुल है ओके नाउ वेलकम टू नेचुरल गैस वॉट इज नैचुरल गैस नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसल्स फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स ओके एक क्वेश्चन आएगा वाई इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल ओके नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसल्स फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स जो नेचुरल गैस होता है उसको हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉसल्स फ्यूल कहते हैं क्यों क्योंकि ये पाइप्स के थ्रू इसको हम लोग पाइप्स के थ्रू बहुत ही ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं नैचुरल गैस इज इस स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ओके सी एन जी इसी को कहते हैं इसको हाई प्रेशर में रखा जाता है इसीलिए इसे हम लोग सी एन जी भी कहते हैं सी एन जी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन ओके वॉट इज़ द यूज ऑफ सी एन जी इट इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन इट इज़ नाउ बींग यूज ओके नाव वी एन जी इज़ यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग ठीक है सो इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाई नेचुरल गैस इज कॉल्ड क्लीनर फ्यूल एंड नाव वाई इट इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्यों क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है डीजल और पेट्रोल से जो धुआँ निकलता है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है गॉट इट और नेचुरल गैस को आजकल हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत लेस पॉल्यूटिंग होता है गॉट इट द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सी एन जी इज़ दैट इट कैन बी यूज़ डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स ऐसे जगहों पे जहाँ कि आप डायरेक्टली इसको पाइप से सप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजिली हम लोग इसको होम्स में जो है सो so यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए और इंडस्ट्रीज़ में भी ठीक है गुजरात में ऐसा होता है ना कि सिलेंडर नहीं मिलता है आपका घरों में जैसे हम लोग टैप खोलते हैं ना टंकी में ये रहता है तो एक कोई सर्टेन जगह है जहाँ पे कि आपका नेचुरल गैस जो है वो स्टोर होता है और उसको पास करते हैं ठीक है यहाँ सिलेंडर पर्पज़ गुजरात में नहीं होता सिलेंडर नहीं लगता है वॉटेड तो इस तरह से अगर आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल इन होम्स ऑल्सो एंड इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो गॉट इट सच ए नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वडोदरा गुजरात में ऐसा ही होता है हम लोग नेचुरल गैस को एज अ फ्यूल यूज करते हैं सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेस ऑल्सो कुछ पार्ट्स में दिल्ली के और अदर प्लेसिज में भी यूज़ करते हैं दिल्ली में तो बहुत कम बिकॉज दिल्ली का तो पॉल्यूशन आई कैंट टेल यू ओके नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स बहुत सारा केमिकल और फर्टिलाइजर्स को जब हम लोगों को बनाना होता है ना तो स्टार्ट करने के लिए उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं इंडिया हैज़ अ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस ओके इंडिया के पास बहुत सारा नेचुरल गैस का रिजर्व्स है इन आर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बिन फाउंड इन त्रिपुरा राजस्थान महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्वेश्चन कैन बी आस्क कि वेयर नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन इंडिया त्रिपुरा राजस्थान एंड महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा आर द प्लेसेस वेयर द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड ओके नाउ, नाउ बोझो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कैन कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेथ ऑर्गेनिज्म अच्छा ऐसा करते हैं ना हम लोग ये जानवर वानवर का लाश वाश लेके लेबोरेटरी में जाते हैं और क्या कोल पेट्रोलियम बना सकते हैं नो no, नॉट एट ऑल क्यों क्योंकि इसके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर लगता है ठीक है इसीलिए तो ये लिमिटेड होते हैं ना हम लोगों को यूज करने में थोड़े ना मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है लेकिन बनने में ज़रूर मिलियन ऑफ ईयर मिलियंस ऑफ ईयर लग रहा है गॉट इट नाउ आगे हम पढ़ते हैं कि फर्दर इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड ओके

कि कोल एंड कुछ हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है ठीक है क्यों लिमिटेड है क्योंकि कोल और पेट्रोलियम को तो हम लोग धड़ेले से यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसको फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है ठीक है तो इसीलिए हम लोगों को अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ग्रीडिली नहीं यूज़ करना है हम लोगों को उसको वाइजली यूज़ उस करना है तो आप लोगों के लिए एक सलाह है जो बच्चे मेरे चला रहे हैं मोटरसाइकिल तो वो क्या करेंगे बाईसाइकिल चलाएंगे और फ़ालतू का इधर उधर वैंडरिंग नहीं करेंगे आपको जितना ज़रूरत है उतना ही खर्च कीजिए और वैसे भी एक वाइज स्टेटमेंट मैं आप लोगों को देना चाहूँगी एज़ अ टीचर कि किसी भी चीज़ को ना अनवांटेडली मत यूज़ कीजिए हर चीज़ का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कीजिए और यूज़फुल उसको उसका यूज़ बहुत अच्छे से कीजिए ओके okay? ये लाइफ के लिए आपके अच्छा है नाउ कम टू द पॉइंट Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. Okay, their use is also linked to the global warming. It is therefore necessary that we use these fuel fuel only when absolutely necessary. What I have told you, देखिए, हमलोग जो पेट्रोल जलाते हैं, जो डीजल चलाते हैं, जनरेटर वगैरह डीजल से चलता है, अब देखिएगा बहुत काला-काला धुआँ निकलता है, ठीक है? और जिस जगह में, जैसे for example मैंने दिल्ली में रहा है तो सुबह में जब आप उठिएगा ना यहाँ नाक के पास गर्म लगेगा आपको यहाँ छोटे जगहों में अगर आप उठेंगे तो आपको सुबह का जो एयर है ना वो फ्रेश एयर लगेगा लेकिन जो आपका मेट्रोज है वहाँ पे जब आप सुबह उठिएगा ना तो आपको फ्रेश नहीं लगेगा क्योंकि क्या होता है रात भर गाड़ियाँ चलते रहती हैं तो क्या होता है हमारा जो इन्वामेंट है उसको कोपअप करने का जगह ही नहीं मिलता है बड़े बड़े मॉल्स खड़े कर दिए गए हैं पेड़ का नामो निशान नहीं है तो क्या हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है हमारा अर्थ जो है वो गर्म हो रहा है एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है जो बर्फ़ का हमारा जो आइस बर्ग्स है वो सब क्या हो रहा है जो बर्फ है वो क्या हो रहा है वो पिघल रहा है और उसकी वजह से क्या होगा वाटर लेवल जो सी का जो वाटर लेवल है वो राइज करेगा और पूरा जो हमारा लैंड का एरिया है वो डूब जाएगा जलमग्न हो जाएगा इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है और हमें अपने नेचर का अपनी प्रकृति का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है नेचुरल रिसोर्स हमारे पास है लेकिन हमको उनको वाइजली यूज़ करना है बेवकूफ़ों की तरह धड़ेले से यूज़ नहीं करना है गॉट इट नाउ दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर एवेबिलिटी फॉर लॉन्गर टाइम इन इंडिया इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल हाउ टू इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग ओके जब हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उस समय भी हमारे पास एक एसोसिएशन है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ओके ये कुछ टिप्स देते हैं हम लोगों को कि हम लोग किस तरह से गाड़ी चलाएंगे कि पेट्रोल और डीजल जो होगा वो कम खर्च होगा और इससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो लेस है होगा ओके नाउ ड्राइव एट कॉन्स्टेंट स्पीड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल आप लोग देखते हैं ना आजकल के छोटे छोटे बच्चों को टेंथ ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को मोटरसाइकिल दे दिया जाता है एंड दे विल एक्सिलेटर को तो ऐसा घुमा करके करते हैं रोड पे सर्कस दिखाते उससे क्या होगा एक्सीडेंट का भी खतरा है ठीक है और आप अपने इन्वामेंट को भी हैम्पर कर रहे हैं अपना टाइम भी लॉस कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे नो गेन एट ऑल ओके ना स्विच ऑफ द इंजन ऑफ ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू नीड टू वेट ऐसी जगहों पे जहाँ आपको वेट करना है गाड़ी आपको ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है आप आराम से उसको ऑफ कर दीजिए और इंतज़ार कीजिए गॉट इट इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर जो टायर होता है उसका प्रेशर सही हो ये बात आप इंश्योर कर लीजिए आपको समय समय पे अपने जो गाड़ियों के चक्के हैं उसका प्रेशर को चेक करते रहने की ज़रूरत है इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल व्हीकल का इंजन को हमेशा मेंटेन करवाइए उसका मेंटेनेंस सही रहेगा तो आप कम पेट्रोल में कम डीज़ल आपका वो कहते हैं ना कि पेट्रोल ज़्यादा खा रहा है डीजल ज़्यादा खा रहा है तो आप रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते रहिए गॉट इट नाउ आई होप कि आपका सारा जो डाउट्स है इस क्लास का खत्म हो गया होगा इस चैप्टर का आई होप कि इस चैप्टर का आपका सारा डाउट्स ख़त्म हो गया होगा एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर हैव अ गुड डे मीट यू सून इन अ नेक्स्ट चैप्टर बाय